A very good morning to all of you students and welcome in English class. Students, today in this class we are going to study Unit 4, Chapter Mittu and the Yellow Mango. It's a story about a parrot, okay? जो कि एक बहुत ही intelligent parrot होता है और किस तरह से वो उसको येलो मैंगो पसंद है और वो उसको किस तरह से खाता है, इस स्टोरी में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो यू हैव वी हैव टू रीड इट फर्स्ट. सो लेट्स रीड इट. मिट्ठू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बीक. बीक मीन्स चोंच. ओके, मिट्ठू जो है वो एक पैरट होता है, ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरे रंग का तोता, विद अ रेड बीक और लाल चोंच के साथ. ठीक है, वो लाल रंग की उसकी चोंच होती है और वो हरे रंग का होता है. ठीक है, वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग. ठीक है, फ्लाइंग होता है उड़ना. एक दिन मिट्ठू उड़ रहा था. ही लव्ड टू फ्लाई, उसको उड़ना बहुत पसंद है. ठीक है, ही लुक्ड डाउन, वो नीचे देखता है. ही सा अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री, वो नीचे क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा सा येलो कलर का, पीले कलर का आम जो है वो पेड़ पर लगा है. ठीक है, मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज. अब मिट्ठू को एक तो वो फ्लाई करना पसंद करता था और सेकंड उसको क्या पसंद था, मैंगोज. उसको मैंगोज अच्छे लगते थे. आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, ही सेड, उसने कहा कि मैं इस येलो मैंगो को खाना चाहता हूँ. He flew down to the tree. अब उसको खाने की उसको इच्छा हुई तो उसने क्या किया, वो नीचे आ गया ट्री के पास. ठीक है, पेड़ के पास आ गया. काओ काओ, गो अवे, ऐसी आवाज़ आई. काओ काओ कौन करता है, कौआ. कौए की आवाज़ आई, यहाँ से चले जाओ. This is my tree, said a voice. एक आवाज़ आई कि ये मेरा, काओ काओ यहाँ से चले जाओ, ये मेरा पेड़ है. मिट्ठू लुक्ड अप, अब मिट्ठू ने ऊपर देखा कि ये कौन है, कौन ऐसे बोल रहा है. ही सा अ बिग ब्लैक क्रो, उसने एक बड़ा काला कौआ देखा. काओ काओ, गो गो, काओ काओ, जाओ जाओ. ठीक है, द क्रो शाउटेड, जो क्रो है, शाउटेड होता है चिल्लाना. इस तरह से आप देख सकते हो पिक्चर में, कौआ ऐसे चिल्ला रहा था. He had a very loud voice. उसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है. ठीक है, आपने कौए को कभी देखा होगा, सुना होगा उसकी वॉइस को, तो वो बहुत ही लाउड वॉइस होती है. मिट्ठू was afraid of the crow. मिट्ठू जो है वो कौए से डर गया था. अफ्रेड होता है डरना. ओके, ही फ्लू अवे, वो वहाँ से उड़ गया. नेक्स्ट, मिट्ठू सा अ रेड बैलून, लेकिन तब उसको क्या दिखता है वहाँ पर, अ रेड बैलून, उसको एक लाल गुब्बारा दिखता है. इट वॉज अंडर अ ट्री, वो ट्री के अंडर था, यानी कि पेड़ के नीचे था. अंडर द ट्री, ही हैड एन आइडिया, उसको एक तरकीब दिखती है, उसको एक आइडिया आता है. ही पिक्ड अप द रेड बैलून, उस रेड बैलून को उठाता है. पिक्ड होता है उठाना. ओके, उसने उस रेड बैलून को उठाया. He was careful not to burst it. Burst होता है फटना. वो बहुत ही careful, मतलब उसने बहुत ही ध्यान से उसको उठाया ताकि वो फटे ना. He flew to the mango tree. अब वो mango tree के पास उड़कर चला गया. The crow was sitting on the tree. अब कौआ tree के ऊपर बैठा हुआ था. मिट्ठू bent behind the tree. अब वो पेड़ के पीछे से गया. और इस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हो कि वो कौए के बिल्कुल पीछे है. ठीक है, ही पैक्ड द बैलून विद अ रेड बीक. पैक्ड होता है चोंच मारना. ठीक है, उसने रेड बैलून को चोंच मारी अपने लाल चोंच से. ठीक है, पॉप, पॉप होता है जब कोई चीज़ फटती है तो आवाज़ आती है ना उसके फटने की, पॉप. तो इस तरह से आवाज़ को बोलते हैं पॉप. द बैलून ब्रस्ट, बैलून फट गया. इट मेड अ लाउड नॉइज, और बैलून के फटने की बहुत ही ऊंची जोर की आवाज़ आई. ठीक है, काओ, सेड द क्रो, कौए ने कहा काओ. एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और वो पेड़ से नीचे गिर गया. काओ काओ, अ बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्रो.
ही फ्लू अवे, उसको लगा कि शायद मेरे पीछे किसी ने गन मतलब कि बंदूक, मेरे पीछे किसी ने बंदूक चला दी है, मेरे पीछे कोई बंदूक है, उसको ऐसा लगा और वो वहाँ से उड़ गया। ही नेवर कम बैक टू द ट्री, और वो वापस दोबारा उस ट्री पर नहीं आया। अब नेक्स्ट देखिए, मिट्ठू कम टू द ट्री, मिट्ठू ट्री के पास आया। ही एट द बिग येलो मैंगो, एट होता है खाया उसने, ठीक है, उसने येलो मैंगो को खाया, ये ईट की पास्ट फॉर्म है एट, ओके। यमी यमी, व्हाट अ नाइस मैंगो, यमी यमी मीन्स टेस्टी। अब जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप बोलते हो ना, इट्स यमी, सो यमी यमी, व्हाट अ नाइस मैंगो, मतलब कि बहुत ही अच्छा मैंगो है। ही सेड ही वॉज वेरी हैप्पी, अब वो बहुत ही खुश था, क्लेवर मिट्ठू, ओके, क्लेवर मिट्ठू, वो बहुत ही चालाक मिट्ठू था, ठीक है। सो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, ओके, तो कभी भी जब भी हमारे काम में कोई हमें मुसीबत मिले तो हमें हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई अपने दिमाग का यूज़ करके, हमें अपनी जो बुद्धि है उसका यूज़ करके कोई आइडिया निकाल के उस मुसीबत को दूर करना होता है और अपने काम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। कभी अब अगर आपको लगे कि हमें ये पढ़ाई में मुश्किल आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़कर बैठ जाए, उसको अपने दिमाग से आपने आसान करना होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपको इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है, लाउडली रीड करना है और अच्छे से विद करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ आपने इसको लाउडली रीड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।